मदद नहीं कर सकते तो प्लीज मुझसे हमदर्दी भी मत जताइए। देखिए मैं सविता को भूल चुका हूँ। हमारे बच्चे की मौत के बाद तांत्रिकों के चक्कर में आके वो औरत पागल और खतरनाक हो गई। मैं उसे याद भी नहीं करना चाहता था। आप अपना समय यहाँ बर्बाद ना करें। जिस घुटन से आप गुजर रहे हैं उसी घुटन तकलीफ और चटपटा से मेरा मन भी गुजर रहा है। तरस के मेरे बच्चे को मिलने के लिए और सिर्फ आप ही मुझे मेरे बच्चे से मिला सकते प्लीज हमारी मदद। मैं आपकी हालत समझता हूँ लेकिन सविता से बात करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई अपना गलत वहां पर चला जाता है ना उसे वो अकेला नहीं छोड़ा करता। और सविता ने जो गलती की उसके लिए आपको उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। तो उसे माफ करके उसे प्यार से समझाना चाहिए था। आपने ऐसा किया होता तो वो इतना गलत कदम नहीं उठाता जिसकी वजह से उसे किसी और का बच्चा चुराना पड़े।